चीनी सैनिकों को खदेड़ने के बाद भारतीय सेना पूरी तरीके से अलर्ट पर है। चीन की फितरत को देखते हुए आर्मी किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेने के तैयार नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि चीन से लगे ईस्टर्न फ्रंट पर अब एयरफोर्स बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है। एयर एक्सरसाइज में फाइटर प्लेन, सर्विलांस प्लेन और दुश्मन पर नजर रखने वाले रडार शामिल होंगे। ये एक्सरसाइज 15 दिसंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चल सकती है। एयरफोर्स की इस एक्सरसाइज के लिए ईस्टर्न फ्रंट के सारे एयरबेस एक्टिव कर दिए गए हैं। एक्सरसाइज के दौरान एयरफोर्स असम में तेजपुर, छबुआ और जोराहट एयरबेस के साथ साथ पश्चिम बंगाल में हाशिमारा से फाइटर प्लेन उड़ान भरेंगे। कमांड लेवल की इस एक्सरसाइज के दौरान एयरफोर्स ईस्टर्न सेक्टर में अपनी क्षमताओं को परखेगा। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो ये 15 दिसंबर से शुरुआत होगी इस एक्सरसाइज की, जो 25 दिसंबर तक चल सकती है। भारतीय वायुसेना ये एक्सरसाइज करेगी और इसके लिए कई कमांड जो है तेजपुर, छबुआ, जोराहट एयरबेस का इस्तेमाल इसके लिए किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के एयरबेस का भी इसमें इस्तेमाल होगा। वहीं तवांग में झड़प को लेकर संसद में आज भी हंगामा होने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चीन के आगे झुक गई है और इस मुद्दे पर बात करने से पीछे हट रही है। विपक्ष इस पूरे मामले पर सीधे पीएम मोदी को घेर रहा है। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद भी विपक्ष लगातार चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। इस बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पिछले साल अक्टूबर का है। इस वीडियो के आधार पर दावा किया जा रहा है कि 9 दिसंबर को भी इसी तरह से चीनी सैनिकों को मारकर भगाया गया। वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि LAC पर चीनी सैनिकों का क्या हाल किया गया था, घुसपैठ करने आए चीनी सैनिकों को कैसे वापस खदेड़ा गया। ये वीडियो अक्टूबर 2021 का है, लेकिन इससे अंदाजा लग जाएगा कि 9 दिसंबर को कैसे चीनी सैनिकों की पिटाई हुई होगी। ये पुराना वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि हमारे बहादुर सैनिकों ने कैसे चीनी सैनिकों को खदेड़ा होगा। ठीक ऐसा ही नजारा उस वक्त भी रहा होगा जब 9 दिसंबर को
चीनी सैनिकों ने एलएनसी को एक तरफा बदलने की कोशिश की। वो हाथों में लाठी डंडे लोहे की रॉड और नुकीले हथियार लेकर आए थे। भारतीय शूरवीर तो उनके खैर मकदम के लिए तैयार ही बैठे थे और कुछ इस तरह से उन्हें वापस भेज दिया गया। चीनी सैनिकों के पास लोहे के नुकीले पंजे, नुकीली कील लगे डंडे, नुकीले पत्थर, टेजर गन के साथ लाठी और डंडे थे। ये देखिए कैसे नुकीली कील लगे डंडे लेकर चीनी सैनिक आए। उनके पास टेजर गन थी जिसमें से नुकीली कीले निकलती हैं। लेकिन इन सबसे बेपरवाह हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को मार मार कर दूर तक खदेड़ दिया। तवांग सेक्टर के यांगसी में हुई झड़प में भारतीय सेना की 3 यूनिट्स ने चीनी सिपाहियों को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। 9 दिसंबर के दिन चीनी सेना के घुसपैठ का आर्मी की जम्मू कश्मीर राइफल्स, जाट रेजिमेंट और सिख लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी बहादुरी और जज्बे की वजह से पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने समाचार एजेंसी ANI के साथ एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि भारतीय सेना किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। बफ्ड एवरी टाइम, इज दैट द लेवल दैट PLA हैज गॉन डाउन टू? होलिगनिज्म एंड स्ट्रीट फाइटिंग, और दे आर प्रोफेशनल 21st सेंचुरी आर्मी। ऑन वन साइड दे ट्राई टू शो देयर टेक्नोलॉजिकल प्रोवेस, ऑन द अदर साइड दे कमिंग विद बार्ड वायर क्लब्स। इट इज रिडिकुलस। India as a country showed to the world that it is possible to take on that neighborhood bully. So this, I can say that with utmost confidence to the entire nation that we will always be ready to face whatever is thrown at. इस बार भारतीय सैनिक इस कदर तैयार थे कि झड़प में एक भी भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं, और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, चीनी फौज 17,000 फीट की ऊंचाई पर बनी भारतीय पोस्ट पर कब्जा करना चाहती थी। हमले के लिए वो दिन चुना गया जब इस बॉर्डर पर तैनात इंडियन आर्मी के जवान रोटेट होते हैं, पुराने सैनिक वापस आते हैं और उनकी जगह नए सैनिकों की तैनाती होती है, इसलिए सैनिकों की संख्या दूसरे दिनों के मुकाबले कम होती है। जिस वक्त चाइनीज सैनिकों ने घुसपैठ की, उस वक्त यांगसी की पोस्ट पर जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के लगभग 75 जवान तैनात थे। PLA के सैनिकों को लगा कि रात के अंधेरे में वो हमला बोलेंगे और बड़ी आसानी से भारतीय पोस्ट पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन भारत के बहादुर जवान पूरी तरह से चौकस थे। जैसे ही चाइनीज सैनिकों ने भारतीय सीमा में कदम रखा तो इंडियन आर्मी के जवानों ने उन्हें ललकारा। चाइनीज सैनिकों ने पत्थरों से हमला कर दिया, भारतीय जवानों ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। शुरुआती हमले में ही हमारे जवानों को चोट लगी, लेकिन आधे घंटे से भी कम वक्त में री इन्फोर्समेंट यांगसी पोस्ट पर पहुंच गई और ठीक इसी तरह से चीनी सैनिकों को सबक सिखा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी
भौमिक अखंडता को सुरक्षित करने के रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। 11 दिसंबर की रात को एक बार फिर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय जवानों ने इस बार चीनी सैनिकों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि चीन के कुछ जवान तो अपने पैरों पर खड़े होकर वापस भी नहीं भाग पाए। इसके बाद चीन बातचीत की टेबल पर आया, फ्लैग मीटिंग की गई। चीन की जब हर तरफ किरकिरी होने लगी तो मंगलवार देर शाम चाइना के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि प्रोटोकॉल के तहत मामले को सुलझा लिया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक चीन और भारत की सीमा पर हालात स्थिर हैं। दोनों ही पक्ष कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से आपस में संवाद बनाए हुए हैं। हमें उम्मीद है कि भारत भी हमारे साथ इसी दिशा में बढ़ेगा, ईमानदारी से दोनों नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण आपसी सहमति को लागू करेगा। दोनों पक्षों के बीच पहले से हुए समझौतों और प्रोटोकॉल की भावना के मुताबिक ठोस कदम उठाएगा और चीन के साथ मिलकर सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखेगा। चीन की कथनी और करनी में हर बार फर्क साफ दिखता है। इस बार भी पिटाई के बाद चीनी सेना का बयान उनके विदेश मंत्रालय से उलट था। सेना के सीनियर अफसर और वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता लॉन्ग शाहुआ ने भारतीय सेना पर ठीकरा फोड़ते हुए कहा, इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और चीनी सैनिकों के रास्ते में आए, जिससे दोनों ओर से विवाद बढ़ गया। हमने पेशेवर तरीके से मानकों के तहत मजबूत जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सीमा पर हालात स्थिर हुए। चीन के फरेब से हर कोई वाकिफ है। भारतीय सेना इस बार पीठ पर वार करने वाले चीन को कोई मौका देना नहीं चाहती, इसलिए भारत एलएसी पर पूरी तरह तैयार है। इतना ही नहीं, ईस्टर्न फ्रंट पर अब एयरफोर्स बड़ी एक्सरसाइज करने जा रही है। इस एयर एक्सरसाइज में फाइटर प्लेन, सर्विलांस प्लेन और दुश्मन पर नजर रखने वाले रेडार शामिल किए जाएंगे। ये एक्सरसाइज 15 दिसंबर से शुरू होगी और 25 दिसंबर तक चल सकती है। एयरफोर्स की इस एक्सरसाइज के लिए ईस्टर्न फ्रंट के सारे एयरबेस एक्टिव कर दिए गए हैं। भारतीय सेना की हर विंग तैयार है और हर बार हाल इसी वीडियो की तरह होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।